लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीआरएन स्क्रीन के ऊपर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट कैसे एंटर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल्स एनी टाइम स्क्रीन के ऊपर बैच नंबर कैसे एंटर करना है और कौन सी ऐसी सेल्स रिसीट्स हैं जिनके ऊपर आप बैच नंबर प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे क्लिक करें। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के ऊपर आप सेल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एनेबल बैच नंबर ऑन सेल्स का चेक बॉक्स नजर आएगा। इसे टिक करके नीचे दिए गए बटन अपडेट पे क्लिक करें। उसके बाद आप रिसीट टैब पे जाएं। रिसीट टैब के ऊपर आपको एक चेक बॉक्स शो बैच नंबर ऑन रिसीट के नाम से नजर आएगा, इसे चेक करके अपडेट कर दें। उसके बाद आप यूटिलिटीज मेन्यू में सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो रिसीट पे सेटअप मेन्यू पे क्लिक कर दें। इस स्क्रीन के ऊपर आपको रिसीट टाइप का एक ड्रॉपडाउन विजिबल होगा जिसमें आपको डिफरेंट रिसीट्स नजर आ रही होंगी। याद रखिए, रिसीट के ऊपर बैच नंबर प्रिंट करने के लिए आपको SR03 या SR16 का इंतखाब करना होगा। यही दो रिसीट्स हैं जिनके ऊपर बैच नंबर प्रिंट होता है। हम SR03 सिलेक्ट करते हैं और नीचे दिए गए बटन सेव पे क्लिक करते हैं। अब हम शॉप एक्टिविटीज मेन्यू में सेल्स एंड रिटर्न स्क्रीन पे क्लिक करें और यहाँ पे अपने वो तमाम प्रोडक्ट्स लोड करें जो सेल आउट करने हैं। अब किसी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम बैच नंबर एंटर करते हैं। सपोज हम ABC123 बैच नंबर एंटर करते हैं और सेव करते हैं तो सिस्टम रिसीट के ऊपर जो हमने बैच एंटर किया है ABC123 वो शो कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सेल पर्सन किसी भी ड्रग या नारकोटिक्स आइटम का बैच नंबर एंटर किए बगैर रिसीट सेव ना कर सके तो आप कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे जाएं तो सेल टैब पे कंट्रोल ड्रग के ड्रॉपडाउन से ब्लॉक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अब सिस्टम ड्रग या नारकोटिक्स आइटम की रिसीट सेव नहीं करने देगा जब तक आप बैच नंबर एंटर नहीं करते। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपने सीखा कि सेल्स एंड रिटर्न स्क्रीन के ऊपर बैच नंबर कैसे एंटर करते हैं और कौन सी सेल्स रिसीट्स इसके साथ कंपैटिबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी रिटेलिंग।